अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अर्शी क्रिएटर ब्लॉग। आज हम आपको गाजर का हलवा की रेसिपी बताएंगे, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हम अर्शी क्रिएटर पर भी आप अपलोड करेंगे, आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे। सो गाजर हमने कद्दूकस कर ली है और देसी घी हमने इसमें बनाई थी, उसी ही कढ़ाई में हम ये हलवा डाल देंगे। उसमें मेरा घी है और ये मिल्क है। इसमें हम केसर डालेंगे। केसर डालने के बाद इसमें हम रंग डालेंगे, क्योंकि हमारी गाजर अब मौसम नहीं है तो हमने मंगवाया है, तो ये ऑरेंज कलर की है, तो हम ये रेड ऑरेंज रंग डाल देंगे। रंग डालने के बाद हम मिक्स कर देंगे और हमारी गाजर को हमने भून लिया था। उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे रंग वाला, तो दूध ऐड करने के बाद इसे हम चलाएंगे। चलाने के बाद इसे हम ढककर रख देंगे। ढककर 15-20 मिनट बाद धीमी आंच पे वो होने के बाद हम अब गैस ऑफ कर देंगे। इसके बाद ऑन करेंगे तो इसे खूब अच्छे से हमें ढक करके रख देना है। ढक करने के बाद हम इसे खोलेंगे। देखिए हमारा हलवा एकदम गल चुका है, अब हम इसे मैश कर लेंगे। ये जो आप अगर आपके पास मैशर है तो मैशर से मैंने इसी से ही मैश कर लिया और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सॉरी मेरा वीडियो फर्स्ट है तो मैं थोड़ा समझ में, ये हमारा हलवा वो जो हमने देसी घी बनाई थी उसी का हमारा खोवा निकला है, तो हम वो खोवा डाल देंगे। ये हमने खोया डाल दिया है, मेरा इसका वीडियो भी डला है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये मीठा इत्र है और अब हम इसमें मीठा इत्र ऐड करेंगे। आप मेरा देसी घी का वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, इसी चैनल पे डलेगा, देख सकते हैं जाके इसका वीडियो। ये हमने केवड़ा डाल दिया है, अब हम ये हमारा भुन कर तैयार हो गया। अब इसमें हम काजू बादाम डालेंगे, यानी ड्राई फ्रूट्स। ये ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें ऐड करेंगे एंड आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हमारा हलवा तैयार है, ये हमने मेहंदी रखी है, हम ईद में ही अपलोड करेंगे वीडियो। सो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।